दोस्तों पित्त दोषों को संतुलित अवस्था में रखने के लिए आज हम आपको आगे के अभ्यास बताएंगे। पित्त दोष के असंतुलन के कारण हमें अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें व्यक्ति के सीने में जलन का होना, सन वर्ण का होना, मुंह से तेज दुर्गंध का आना, मुहासों का निकलना, एक्जिमा की समस्या और पेट में भारीपन, ब्लोटिंग जैसी समस्या, एसिड रिफ्लेक्स का होना, खट्टी डकारों का आना जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे, मरजारी आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और फिर इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने सिर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी पीठ को ऊपर की तरफ कीजिए और अपने सिर को ऐसे दोनों बाजुओं के बीच में लाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर 10 सेकंड तक रुकें, श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे ऐसे अपने नाभि केंद्र को देखिए, ऐसे ही 5 से 6 बार करते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और दोनों हाथों को भी थोड़ा सा और आगे को कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं। 10 सेकंड तक रुकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे, ऐसे ही से कम 6 से 7 बार करें और फिर इसके बाद आपने ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे सीधे लेट जाते हैं। हम करेंगे सेतु बंधासना और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास ऐसे रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुके, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, कम से कम 10 सेकंड से 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करने के बाद नीचे, ऐसे ही से आप 4 से 5 बार कीजिए। और फिर सीधे इसके बाद हम करेंगे अर्ध नौकासना, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से रख लें जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और फिर इसके बाद आपने अपने ऊपरी शरीर को और निचले शरीर को थोड़ा सा जमीन से ऊपर को उठा लेते हैं ऐसे। ऐसे अपने पैर के अंगूठे को देखिए, 30 सेकंड तक ऐसे ही रुके, फिर सीधे। अब हम करेंगे कागासना योग, ऐसे ही आपने दोनों पैरों के बीच में कम से कम 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। कागासना योग एक ऐसा अभ्यास जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह वज्रासना के बाद एकमात्र ऐसा अभ्यास है जिसे आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को आप सुबह के समय, दिन में और रात को या रात को सोने से पहले जरूर प्रैक्टिस करें। ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के आगे से बांध कर
ऐसे इस अभ्यास को आप टीवी देखते वक्त, खाना खाते वक्त या आकार गूंथते वक्त किसी भी समय अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल कीजिए। यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। यह इस अभ्यास को करने से जिन लोगों के पेट में अत्यधिक गैस बनती है या जो लोगों को बहुत अधिक डकार आती है की समस्या दूर होती है। जब आप ऐसे ही कागासना में एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, वायु निष्कासना के अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। आपने ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम आधे से एक फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। कम से कम 5 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटनों को सीधा करते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने दोनों घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रुकें। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहे। श्वास अंदर भरते हुए पीछे 5 से 10 सेकंड होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करना है। ऐसे ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाइए। ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को घुटनों के और फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।